आज सेक्रेट मैनुअल को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल सेक्शंस एंड लेजिस्लेचर तो चलिए आगे बढ़ते हैं एज पर सेक्रेट मैनुअल हमारे पास चार स्पेशल सेक्शंस होते हैं यानी कि हर डिपार्टमेंट में या हम सेक्रेट की अगर बात करें तो फोर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं पहला सेक्शन जो है उसे हम इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के नाम से जानते हैं दूसरा एस्टेट सेक्शन तीसरा पेटिशन सेक्शन और उसके बाद लास्ट यानी फोर्थ कैबिनेट सेक्शन एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन जो है वो किन किन चीज़ों के साथ किन किन जिसे हम कहेंगे मैटर्स या इश्यूज के साथ डील करता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता क्या है चाहे सेक्ट्रेट के किसी ब्रांच में या किसी भी डिपार्टमेंट में एज द केस में भी एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन नीचे दी गई इन सारी इश्यूज के साथ इन सारे मैटर्स के साथ डील करता है तो पॉइंट वाइज हम उन्हें पढ़ेंगे पहला प्रपोजल्स विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ पोस्ट यानी अगर पोस्ट्स की क्रिएशन करनी हो उनके रिगार्डिंग जो भी प्रपोजल जो भी प्रोसीजर हो जाता है वो सारा इस्टेब्लिशमेंट के अंडर है दूसरा रिक्रूटमेंट वो इस्टाब्लिशमेंट करती है चाहे प्रमोशन uh, के थ्रू हो वो रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो अगेनस्ट वैकेंसीज तो वो इस्टाब्लिशमेंट का काम है बहुत सारी कमिटीज़ जो बनाई जाती है जिसमें हमारी इस्टबलिशमेंट कमेटी होती है इंक्वायरी कमिटीज वगैरह होती है ये काम भी इस्टेबलिशमेंट सेक्शन का ही है अपॉइंटमेंट्स एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन करती है शॉर्ट टर्म प्रमोशन वैकेंसीज़ को फिल करना ये भी एस्टेब्लिशमेंट का काम है फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी, यानी सीनियरिटी को फिक्स करना सीनियरिटी लिस्ट इशू करना सीनियरिटी में देखना कि क्या हर कोई बंदा बराबर एज पर अपॉइंटमेंट या जो भी रूलिंग्स रूल ट्वेंटी फोर जो हमारा है सी सी रूल का उस हिसाब से हो रही है कि नहीं वो काम भी एस्टेब्लिशमेंट का ही है कन्फर्मेशन दैट मीन्स प्रोबेशन पीरियड की कन्फर्मेशन हो या आपकी कासी परमानेंसी वग़ैरह हो तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट ही देखती है लीव्स यानी लीव सेंक्शन करना लीव uh, देखना ड्यू है कि नहीं है वो भी एस्टेब्लिशमेंट का ही काम है पे फिक्स करना एस्टेब्लिशमेंट का काम है इंश्योरेंस केसेस देखना एस्टेब्लिशमेंट का काम है एडवांसेस जो पहले हुआ करते थे जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस या कार एडवांस वगैरह ये भी एस्टेब्लिशमेंट ही किया करती थी तो आज जो है लोन वगैरह अगर हम देखेंगे तो उसके प्रोसीजर की इनिशिएशन भी जो है एस्टेब्लिशमेंट ही करती है कैरेक्टर रोल्स यानी वेरिफिकेशन वगैरह जो हम सीआईडी से या विजिलेंस से मंगवाते हैं विजिलेंस क्लियरेंस हुई या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स हम जो है मंगवाते हैं सीआईडी से वो काम भी इस्टैब्लिशमेंट का ही है पेंशन एस्टैब्लिशमेंट करती है पोस्टिंगस एंड ट्रांसफर्स एस्टेब्लिशमेंट का काम है डेपूटेशन ऑफ स्टाफ एंड रिटेंशन ऑफ लीन यानी अगर हमने स्टाफ को कहीं डिप्यूट किया या लीन उनकी कहीं पे रखनी है या नहीं रखनी है या अगर रिटेन हमने लीन की है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है ये सारा काम इस्टमेंट का है प्रप्रेशन ऑफ एनिमल एस्टैब्लिशमेंट लिस्ट ये भी उन्हीं का काम है सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स एस्टेब्लिशमेंट का काम है इशंस ऑफ एन डी सीज एन ओ सीज Of of तो म जो है एक एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के अंडर आते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा एस्टेट सेक्शन है एस्टेट सेक्शन का काम क्या होता है रिकॉर्ड को जो भी हमारे बिल्डिंग्स वगैरह रिकॉर्ड परटेनिंग टू बिल्डिंग्स ठीक यानी कि जितना सारा रिकॉर्ड हमारे पास है परटेनिंग टू बिल्डिंग्स परटेनिंग टू गार्डन्स परटेनिंग टू डिपार्टमेंटल एसेट्स जो भी हो चाहे हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो या हम पूरे सेक्ट्रेट की बात कर रहे हो एज द केस में भी तो मैंटेनेंस ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स या सेक्ट्रेट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग कंपाउंड्स एंड गार्डन्स ये सारा एस्टेट सेक्शन का काम है यानी जितनी सारी आपके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं या अगर हम सेक्ट्रेट की बात करें तो सेक्ट्रेट की बिल्डिंग्स जो है या वहाँ पे जो गार्डन्स हैं या आपके डिपार्टमेंट में जो गार्डनस हैं कंपाउंडस वगैरह हैं उन सब की देख रेख उन सबकी ओवरऑल मैंटेनेंस जो है वो इस्टेट सेक्शन करता है रूम्स एलोकेट करना एकना ठीक है चाहे परमानेंट या टेम्परे बेसिस पे इस एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में या सेक्रेट्रेट की बिल्डिंग में ये भी जो है एस्टेट सेक्शन का ही काम है ठीक है नेक्स्ट रिपेयरिंग और इम्प्रोमेंट ऑफ़ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स एसेट्स वगैरह अगर हमें एक डिपार्टमेंटल बिल्डिंग में कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है कोई आ, उस एसेट में हमें कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो ये भी आ, जो है एस्टेट्स विंग के अंडर या एस्टेट सेक्शन के अंडर ही आता है कंजर्वेंसी वॉचिंग ऑफ जो है ये भी एस्टेट्स सेक्शन uh, का ही काम है यानी कि चीज़ों को कंजर्व करना या वॉच एंड बॉर्ड का काम जो है वो भी एस्टेट सेक्शन ही देखती है क्लीनिंग स्टाफ, गार्डनर्स फराश वगैरह की सुपरविज़न ये भी एस्टेट सेक्शन का ही काम है मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स, फ्रमाइस वग़ैरह एस्टेट्स के अंडर आता है सुपरविज़न ऑफ गार्ड्स एंड रिसेप्शनिस्ट ये भी इस्टेब्लिश सॉरी एस्टेट्स के काम है ठीक है सुपरविज़न ऑफ साइकिल स्टैंड मोटर्स स्टेट्स या पार्किंगस वगैरह ये भी टोटली totally एस्टेट्स के अंडर ही आता है सप्लाई एंड रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर्स मूवेबल स्क्रीनस कर्टन्स वगैरह इनकी जैसे हम देखते हैं uh, खिड़कियों के करटन दरवाजों के करटनस रिपेयरिंग ऑफ फर्नीचर वगैरह ये सारा जो है इस्टेट्स के अंडर ही आता है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एस्टेट्स के अंडर वेस्ट पेपर मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन्स मैंटेनेस ऑफ टाइप राइटर्स कंप्यूटर्स क्लॉक्स एक्सट्रा एस्टेट्स का काम है एंड ऑप्शन भी एस्टेट्स का ही काम है ठीक नेक्स्ट हमारा पेटिशन सेक्शन जो है वो आता है पेटिशन सेक्शन जो है जिसे हम लीगल सेक्शन के नाम से भी जानते हैं ये डील करता है हर टाइप की पेटिशन के साथ यानी कि हर टाइप के लीगल प्रोसी जो हमारे कोर्ट वगैरह से जो भी पटिशन्स आती हैं उन चीज़ों के साथ ये सेक्शन जो है डील करता है ठीक है पेटिशन मीन्स जो भी कोर्ट रिलेटेड जो भी हमारे केसेस होते हैं उनके साथ ये सेक्शन काम करता है तो पटिशन हमारी थ्री टाइप्स की होती है पहली पटिशन वो है जिसपे एक्शन जो है वो डिज़ायरेबल हो या नेसेसरी हो ड्यू टू सेब्जेक्ट मैटर यानी कि ऐसी पेटन जिसमें एक्शन जो है नेसेसरी हो करनी यानी कि उसी दम हमें जो है जैसे आपने वो पेटन रिसीव की उसी टाइम उस पर जो है हमें एक्शन जो है वो करनी है यानी कि वो वहाँ से ही एक्शन को है जो है डिज़ायर करती है ऐसी पेटन्स और दूसरी पेटिशन हमारी होती है जिसमें जो रिक्वायर करती है कि गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ़ करे कैसे अपने ऑफिसर्स के थ्रू जिनको वो कंसर्न करती है यानी कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशल को वो कंसर्न करती है तो उस पेटिशन को वही ऑफिसर या ऑफिशल जो है डिस्पोज करेगा इन पटिशन्स को जो है पेटिशन सेक्शन इन औरजिनल उस अथॉरिटी या उस ऑफिसर तक दे देती है ठीक है थर्ड पेटिशन जो है वो ऐसी पटिशन्स होती है जो काफ़ी सीरियस होती है और उन पे जो है रिपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है या उनको एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत होती है तो इन पटिशन्स को हम एज केस भी डील करते हैं तो दैट मीन्स पटशन सेक्शन वो सेक्शन है जो पटशन्स के साथ डील करता है हमारी पटिशन्स तीन टाइप्स की होती है पहली जिसमें एक्शन जो है नेसेसरी uh, एक्शन जो है वो डिज़ायरेबल होती है दूसरी ये है कि उन्हें वो परटेन करती है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशल और उसे uh, वही जो है डिस्पोज ऑफ करता है और तीसरी जो है ऐसी पटिशंस होती है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है उन पर हमें रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है उन पर हमें एक्ज़ामिनेशनस करने की ज़रूरत पड़ती है ठीक है और इन ऐसी पटिशंस uh, को हम ट्रीट करते हैं एज केसेस फोर्थ सेक्शन हमारा जो है वो कैबिनेट सेक्शन है कैबिनेट सेक्शन का काम क्या होता है उनकी फंक्शन होती है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर द कैबिनेट ठीक है यानी कैबिनेट के जो मेमोरेंडम वगैरह होते हैं उनकी प्रिपरेशन करना और उनका एक और फंक्शन ये होता है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑर्डर्स वगैरह सीख करते हैं सो so दैट उन्हें सर्कुलेट करे या उन्हें इंक्लूड करे किसमें एजेंडा में ठीक राइट right? आई बात यहाँ तक समझ नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा legislature. कि लेजिस्लेचर होता क्या है वो सेक्शन जो लेजिस्लेटिव मैटर्स के साथ डील करता है उसे हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर सेक्शन के नाम से जानते हैं जितने सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो लजिस्लेचर सेक्ट्रेट से uh, वो हम डायरेक्टली जो है लेजिस्लेचर सेक्शन को दे देते हैं ठीक है तो उन क्वेश्चंस को जैसे हमें पता है जब भी लेजिस्लेचर बैठता है तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस के साथ डील कौन करता है हमारा लेजिस्लेचर सेक्शन तो लेजिस्लेचर सेक्शन कैसे इन क्वेश्चन के साथ डील करता है हम क्वेश्चन को जो है लेजिस्लेचर सेक्रेट uh, से जैसे ही रिसीव करते हैं उन्हें हमें उसी टाइम पे जो है उनका जो आंसर है उसी टाइम पे या uh, जब तक हमारा आंसर रेडी हो जाता है कब तक कब तक हमारा आंसर रेडी हो जाता है वो हमें नहीं देखना है कि हमें जी दस दिन लगेंगे इस आंसर को रेडी करने में नहीं जब तक हमें डेट दिया हुआ होता है उसमें कि विद इन टू डेज विद इन वन डे या बाय दिस डेट हमें ये आंसर जो है वो हमें प्रिपेयर करना है उस क्वेश्चन का तो ये काम किसका है ये लेजिस्लेचर सेक्शन का, का काम है जैसे हमें लेजिस्लेचर सेक्ट्रेट से जो है क्वेश्चन रिसीव होते हैं तो हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रेडी करना चाहिए बट नॉट लेटर देन डे प्रिस द डेट फिक्सड यानी कि उस दिन से जो भी आपको डेट दिया गया है रिप्लाई का उस डेट से एक दिन पहले जो है हमें क्वेश्चंस का आंसर जो है वो रेडी करना है ठीक है हमें मतलब उस लजिस्लेचर सेक्शन को जो कि एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रही होती है ठीक जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन के उन्हें मिनिस्टर इन चार्ज या एच जो है वो अप्रूव करना चाहिए एज द केस में भी बिफोर हम उन्हें लजिस्लेटर सेक्शन जो है सॉरी लजिस्लेटर सेक्रेटरी जो है उन्हें भेजें यानी कि आंसर्स आपने प्रिपेयर किए तो भेजने से पहले आपका जो मिनिस्टर चार्ज है या आपका जो एच है उसे जो है हर हाल में अप्रूव करना चाहिए सीरियस एफोर्ट्स करने चाहिए हमें कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो और हमें जो है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में काफ़ी एफोर्ट uh, करने चाहिए जो भी आंसर्स हम दे रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो डाउटफुल ना हो वो अनवेरीफाइड ना हो ठीक है आंसर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल हमें ट्रीट करनी चाहिए तब तक जब तक कि वो आंसर्स डिलीवर ना हो कहाँ पे असेंबली में ठीक है तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ़ या हम कहेंगे ब्रांच ऑफ अ सेक्ट्रेट के रिलेटेड रखा था और इसमें हमने एक और सेक्शन लास्ट पे ऐड कर दिया वो था लजिस लेजर तो विद दिस हम आज का लेक्चर कंक्लूड uh, करते हैं आपको आई uh, होप समझ आया होगा वैसे उतना डीप uh, या उतना टफ टॉपिक नहीं था ये बट आपके पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है विद रिगार्ड टू द सेक्शंस तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना था आज आप लोगों के लिए आई होप अगर आपको कोई क्वेरी uh, होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू सो मच